अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ। हम बताएंगे कि चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं सर जिस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ, जो सामने करीमाबाद अंडरपास का काम चल रहा है, 1 नवंबर को यहाँ पर काम स्टार्ट किया गया था और आज जो पोजीशन है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। एक्सीवेशन अभी चल रही है, मशीनरी यहाँ लगी हुई है। मशीनरी इस पर यहाँ पर लगी हुई है, डंपर यहाँ पर आ रहे हैं, मिट्टी यहाँ पर उठाई जा रही है और ये इस पर यहाँ की पोजीशन आपके सामने है। इस वक्त इसी एक एच पॉइंट पे काम चल रहा है और यहाँ से एक्सीवेशन होती हुई मिट्टी को निकालते हुए ये वापस फ्लाईओवर की तरफ को जा रहे हैं। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे पोजीशन दिखाऊं तो यहाँ पे मशीनरी काम कर रही है और यहाँ पे ये एक्सीवेटेड मटेरियल यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। इसी तरह अगर मैं इस एक्सीवेटर मशीन की बात करूँ, ये भी यहाँ पर एक्सीवेशन का काम कर रही है और यहाँ से मिट्टी को रिमूव किया जा रहा है। इस वक्त मशीनरी यहाँ पर काम कर रही है, ये आपके सामने यहाँ की पोजीशन। ये सामने रास्ता यहाँ से बंद किया गया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सामने काका भवानी और आगे मेमन फाउंडेशन और ये रास्ता यहाँ से वापस लियाकताबाद फ्लाईओवर की तरफ को जा रहा है। ये यहाँ की जो पोजीशन है मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये फ़िलहाल कोई 100 मीटर का जो स्पैन है इसके ऊपर फ़िलहाल काम चल रहा है और आगे आपको लियाकताबाद फ्लाईओवर भी नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ की पोजीशन जो यहाँ के मैंने व्यूज शूट किए हैं आप लोगों के लिए, ये यहाँ की पोजीशन है। मैं सब मेन करीमाबाद अंडरपास के पास खड़ा हुआ हूँ जिसपे एक्सकेवेशन का काम चल रहा है। सराउंडिंग के व्यूज़ दोबारा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये फ़िलहाल यहाँ पर मशीनरी काम कर रही है और यहाँ पर ही एक्सकेवेशन चल रही है। एक्सकेवेशन के साथ साथ यहाँ पर मटेरियल भी उठाया जा रहा है और ये यहाँ की पोजीशन है। यहाँ पे बड़ी गाड़ियों का दाखिला बिल्कुल बंद हो चुका है। जो यहाँ के लोग हैं कारोबार करने वाले वो भी काफ़ी मुश्किलात में इस वक्त घिरे हुए हैं। फर्दर इसके अलावा मज़ीद कोई और अपडेट होगी तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर की जाएगी।